मुल्क की मईशत को 2021 में कोविड-19 की दो लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन साबका हुकूमत के मौसर इंतज़ाम की बदौलत उनके असरात कदरे मुतदल रहे। मुआशी सरगर्मी की मजबूत बहाली में मदद मिली। बैंक दौलत पाकिस्तान की सालाना जायजा रिपोर्ट जारी। एक बार फिर इमरान खान हुकूमत की सलाहियत अहलियत काबिलियत पर मुहर सब कर दी है। बताया गया कि आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हुई। बैंक दौलत पाकिस्तान की जायजा रिपोर्ट, एक बार फिर इमरान हुकूमत की सलाहियत अहलियत काफियत पर मुहर सब। बैंक दौलत पाकिस्तान ने अपनी सालाना नुमाइंदा रिपोर्ट माली इस्तेहकाम पर मबनी साल 2021 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में माली निज़ाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुस्तहकम रहा। कोरोना के दौरान बेहतर इंतजाम और वैक्सीन लगाने की जामे मुहिम के नतीजे में आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 तक था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। इस दौरान महंगाई का दबाव बढ़ गया और कोविड-19 की मुतअद्दिद नई इकसाम से आलमी मुआशी सरगर्मी और माली मंडियों को चैलेंजेस दरपेश रहे। मुल्क की मईशत को 2021 में कोविड-19 की दो लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वबा के मौसम इंतजाम की बदौलत उनके असरात कदरे मुतदिल रहे। मईशत के खुलने और पॉलिसी इकदाम के नतीजे में मुआशी सरगर्मी में मजबूत बहाली हुई। जायजे में बैंकों, गैर बैंक माली इदारों, माली मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर माली कॉरपोरेट इदारों की कारकर्दगी और खतरे की जाँच की गयी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाए ताकि कोई खबर रह न जाए।